जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। और यह सुनाइए, कैसे हैं आप लोग? तो प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा और विश्वास यह करता हूँ कि आप सभी जो भले और जो चंगे होंगे और प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के साथ में और अपनी उपस्थिति के जो साथ में आपकी अगुवाई आपके जीवन में जो कर रहा है, मैं विश्वास यह करता हूँ। आज की जो सुबह एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के साथ में आने के लिए प्रभु ने मौका जो दिया, तो मैं उस जीवित और महान परमेश्वर को धन्यवाद जो करता हूँ। और साथ ही साथ आप हर एक जो हैं दर्शक जो हैं दीर्घा का जो है मैं धन्यवाद जो है करता हूँ। आप प्रभु के जो हैं पवित्र जो हैं लोगों का, प्रभु के प्रियों का मैं जो है धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे जो पिछले जो है वीडियोस को सराहा है। और मैं विश्वास जो है करता हूँ कि आगे भी जो है परमेश्वर इन वचनों के जो है द्वारा आपको आशीष प्रदान जो है करेंगे। और मेरी आपसे जो है विनम्र जो है विनती है कि और भी आप अपने जो है मित्रों, अपने जो है दोस्तों, अपने परिवारों के साथ में इस वीडियो को जरूर जो है शेयर जो है करें, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन के जो है द्वारा आशीषित हों। तो आइए हम बीते जो उसमें हमने जो है परमेश्वर के वचन से विश्वास के बलिदान के विषय में हम सीख रहे थे, और उसमें से हमने पहली जो है बात जो है सीखी थी वो था अल्प विश्वास या लिटिल फेथ। आज हम जो है सीखेंगे द फेथ ऑफ लिटिल वाइल या थोड़े समय का विश्वास। अब परमेश्वर के वचन में जाने के लिए पहले आइए हम प्रार्थना जो करें और फिर हम वचन में जो जाएंगे। जीवित प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम प्रार्थना जो करते हैं, आपकी दया और आपकी करुणा हमारे संग साथ में रही है। और परमेश्वर इन दिनों में आप अपने वचन के द्वारा प्रभु हर एक से आप बातें करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी आपका कृपा और आपका महिमा में हम सबों को लिए चलें और इस रीति से आप में आगे बढ़ने का जीवन हम सबों को प्रदान करें, ताकि हमारा जीवन आपके परमेश्वर स्वर्गीय स्थान के लिए तैयार हो सके। विनती यीशु मसीह आपके नाम से, आमीन। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और परमेश्वर के वचन में हम निकालेंगे लूका रचि सुसमाचार अध्याय 8 पद 13, द गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 8 एंड वर्स 13। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां लिखा हुआ है, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। इसका दूसरा जो है रूप मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 17 पद में लिखा है, द गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 17। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। तो प्रभु में प्रियो, कई बार ऐसा जो होता है जब हम परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं तो परमेश्वर के जो वचन को जो सुन करके हमारे जो मन में एक उत्तेजना, एक उत्साह जो आ जाता है कि वाह, परमेश्वर ऐसा कर सकता है, हाँ प्रभु आश्चर्य कर्मों को जो कर सकता है, हाँ परमेश्वर क्या मेरे जीवन में जो आशीषों को ला सकता है, क्या प्रभु मेरे बीमारी को चंगा जो कर सकता है, या मेरे जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को बदल जा सकता है, क्या मेरे जो मैं गर्त में जो पड़ा हूँ परमेश्वर वहां से मुझे उबार करके क्या वो चट्टान पर मुझको खड़ा जाए कर सकता है। जब हम वचन को जो सुनते हैं तो थोड़े समय के लिए हमको ऐसा जो लगता है, और उस समय में हम बड़े उत्साहित जो होकर के प्रभु के ऊपर में हमारा विश्वास हो जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि समय दर समय जब हमारे जीवन में परमेश्वर की उन आशीषों को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, या परमेश्वर के उन आशीषों को अगर हम अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं, या जब हम दुख या क्लेश में या कष्टों में पड़ते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं नहीं ये कोरा केवल ऐसी लिखा हुआ बात है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन इस बात को मैं आपको बता दूं कि ये परमेश्वर का जीवित वचन है, और ये जब हम विश्वास के साथ में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कई बार देखिए,
जब हमारे यही जगहों में जब कुछ बड़ी सभाएं होती हैं, कन्वेंशंस होते हैं, आत्मिक जो सभाएं होती हैं, तब उन दो या तीन दिनों तक हम इतने विश्वास में उत्साहित होते हैं। मैं हर एक जो मसीह भाई बहनों के लिए इस बात को जो है कह रहा हूँ, बहुत उत्साही होते हैं, अच्छा वचन को भी जो है सुनते हैं, और वो दो तीन दिनों तक बड़ा ही एक उत्साह जो है हमारे जीवन में जो रहता है। लेकिन जैसे ही सभाएँ ख़त्म होती हैं, धीरे धीरे हम जब अपने दैनिक जीवन में जो है प्रवेश जो है करते हैं, और उस समय में होता ये है कि हमारा जो है विश्वास फिर धीरे धीरे काफिर होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो विश्वास जो है काफिर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर हमें लगता है ओके सब ऐसी है नहीं करके। लेकिन क्या आपने सच में प्रभु पर विश्वास जो है किया है? एक बार आप इस बात को जो है सोच करके जो है देखें, या इस बात आप जो है विश्वास जो है करके जो है देखें। इसीलिए वचन में लिखा है कि वो जड़ भी पकड़ पाते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी जो है उपदेश या पहाड़ी संदेश जो है बताते हुए जो है चेलों को और जो भीड़ जो थी उनको बताते हुए इस बात को बता रहे हैं। क्या? कि एक बीज बोने वाला बीज जो है लेकर के जो है निकला, तो कुछ जो है क्या हुआ, रास्ते पे पड़ गया, कुछ जो है रास्ते के किनारे में पड़ गया, कुछ जो है पथरीली भूमि पर या चट्टान पर जो है पड़ गया, कुछ उपजाऊ जो है भूमि पर जो है पड़ गया, है ना। तो जो आपका पथरीली जो है भूमि पे पड़ा, तो पथरीली भूमि हम जो है जानते हैं जब वहाँ पे हल्का जो है मिट्टी विट्टी होता है और थोड़ा पानी या कुछ मिला, उसमें वो जो है अंकुर हो गया, लेकिन उसको पर्याप्त जो है स्थान नहीं मिला कि वो अपनी जड़ों को फैला जा सके। और यही आपके और मेरे जीवन में जो है विश्वास के साथ में होता है। जो परमेश्वर विश्वास रूपी जो है पौधे को आपके और मेरे जीवन में जो है अंकुरित जो है करता है, जब हमारा मन जो है, अगर हम अपने मन को पत्थर के समान में या चट्टान के समान में अगर हम जो है बना लेते हैं, तो परमेश्वर का वह जो है जो वचन का जो है बीज है हमारे जो ये हृदय रूपी जो है जो मिट्टी है, हृदय रूपी जो है जो ये हमारा खेत है, अगर उसमें पत्थर ही पत्थर हैं, तो उस जो है पौधे को जो है जड़ नहीं मिलेगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो सबसे पहली आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, उसको आप उपजाऊ भूमि जो है बनाइए, ताकि मैं आपके लिए प्रतिफल ला सकूं, ताकि आपके जो है राज्य की उन्नति के लिए मेरा जीवन भी जो है समर्पित हो जाए, मेरे जीवन से भी जो है प्रभु आपको महिमा मिल जाए, मेरी आराधना से प्रभु आपको महिमा मिल जाए, मेरी स्तुति के शब्दों से प्रभु आपको महिमा जो है मिल जाए, मेरे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। देखिए परमेश्वर के जो है वचन में और कई जो है जगह में ऐसे उदाहरण हैं, जब एक सूबेदार है मत्ती के सुसमाचार में, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स 13, आठवां अध्याय 13 पद, मत्ती के सुसमाचार में, जब एक सूबेदार अपने जो है नौकर के जो लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में जो आता है, और आने के जो बाद में प्रभु से जो कहता है कि प्रभु मैं जो तो क्या हूँ, मैं भी किसी के अधीन में हूँ, मैं भी किसी का अधीनस्थ हूँ, तू मेरे जो अगर वहाँ पे मैं इतना जो योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे जो छत के जो नीचे आए, तू यहीं से कह दे तो मेरा जो है जो दास है वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। सोचिए इतना विश्वास उसको जो है था कि उसने प्रभु से जो है कहा कि प्रभु अगर तू यहीं से कह दे तो मेरा जो है जो वो दास है वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा हम जो है विश्वास जो है करते हैं वैसा ही वह हमारे लिए होता है। और परमेश्वर का वचन जो है कहता है उसी जो है पद में कि जैसे ही प्रभु ने कहा कि जा जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे साथ में हो, वचन कहता है कि उसका जो है दास उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब इस बात को जो है जान लीजिए, हम जब विश्वास जो है करते तो हमारा विश्वास जो है अल्पकालीन नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास जो है थोड़े समय के लिए नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट नॉट बी फॉर अ लिटिल वाइल, इट मस्ट बी फर्म। प्रेज द लॉर्ड। और तब आप अपने जो है जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह को, परमेश्वर के उन आशीषों को और परमेश्वर के उस प्रतिफल को आप अपने जीवन में जो है देखने जो है पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके जो है जीवन में बड़ी आशीष और उसके अनुग्रह को जो है लेकर के आने वाला जो है ठहरेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में कुलुशियों के जो पत्री में और उसके दूसरे अध्याय में और उसके सातवें जो पद में जो लिखा हुआ है, द इपिसल ऑफ कुलुशियन चैप्टर 2 एंड वर्स 7,
अंतिम इस पद को मैं पढ़ता हूँ और के लिए समाप्त यह करता हूँ। और यहाँ पे यह लिखा हुआ है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। कुरिशियों के लिए पत्री में दूसरा अध्याय सातवें यह पद में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, है ना। सोचिए क्यों लिखा हुआ है। फिर आगे यह लिखा हुआ है, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते भी यह जाओ, और अत्यंत यह धन्यवाद करते यह जाओ। प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु के विश्वास में बढ़े, उस सर्वशक्तिमान, उस सर्वव्यापी, उस सर्वज्ञानी परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़े, उसकी सामर्थ में हम बढ़ें, उसकी उपस्थिति में हम बढ़ें, उसकी संगति में हम बढ़ें, उसके विश्वास में हम बढ़ें, उसको धन्यवाद करने में हम बढ़ें, उसकी स्तुति आराधना उपासना करने में हम जो है बढ़ें, क्योंकि हमारी जो है आराधना व्यर्थ नहीं होगी, हमारी स्तुति जो है व्यर्थ नहीं होगी, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं होगा, और इसका प्रतिफल ये मिलेगा कि एक दिन हम प्रभु के स्वर्गीय स्थान में जो है होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और अंतिम यह पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, मत्ती के सुसमाचार में चैप्टर 21 और उसका 22 जो है वर्स में, मत्ती के सुसमाचार में 21 अध्याय 22 पद, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 और वर्स 22, 21 अध्याय 22 पद, और वहां पे जो लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। तो जब हम विश्वास यह करके प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो उन बातों को और हर एक उन कठिन बातों को, उन कठिन परिस्थितियों को, आप बीमार हैं, आप कष्ट में हैं, आप मुसीबत में हैं, आपके जो है आर्थिक परेशानी में हैं, किसी भी प्रकार की जो है तकलीफों में आप हैं, प्रभु को आप दिल से जो है पुकारिए, प्रभु को आप विश्वास जो है पुकारिए, और मैं जहाँ जानता हूँ कि वह उद्धार जो है देने वाला, वह मुक्ति शांति जो है अनुग्रह जो है देने वाला, और हमारे जीवन को आशीषों में बदलने वाला जो है वह परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, सारी सृष्टि का जो है रचनाकार जो है परमेश्वर है, और जब उसके सामने में हम जो है विश्वास के साथ में जो है मांगेंगे, तो परमेश्वर जरूर है हमारी प्रार्थना को सुन करके उसका उत्तर जो है देगा, और हम आशीषित होंगे। प्रभु ये वचन के जो है द्वारा आपको आशीष जो है प्रदान जो है करें। आइए हम सिरों को जो है झुका कर प्रार्थना जो है करें। महिमामय परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी दया और आपकी करुणा को प्रभु हम स्मरण यह करते हैं कि प्रभु हमको आशीष यह देने के लिए, प्रभु और परमेश्वर हमको अनंत जीवन और उद्धार यह देने के लिए आपने अपने आप को इस संसार में यह लाकर कलवरी क्रूस पर बलिदान ने किया, और यह परमेश्वर मर कर तीसरे यह दिन परमेश्वर आप मृतकों में से पुनरुत्थित हो गए, आप जीवित हो उठे मेरे प्रभु जी, और यह परमेश्वर हम जानते हैं कि अगर हम विश्वास के साथ आपसे मांगते हैं तो उन बातों को आप हमारे लिए पूरी करते हैं। प्रभु ये वचन को यह सुनने वाले हर एक आपके यह प्रियो के जीवन में आप उनके विश्वास को बढ़ाइए, ताकि यह परमेश्वर वो जब विश्वास के साथ में यह मांगे तो परमेश्वर उनके जीवन में आपका आश्चर्य कर्म और आपकी महिमा प्रकट हो। आपके हाथों में हम सौंपते हैं विनती, प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय, प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। अगली वीडियो में हम मिलते हैं।